अगला सवाल है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? आपका ऑप्शन है ए बीरबल, बी तानसेन, सी राजा टोडरमल, डी अबू फजल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राजा टोडरमल। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए कमल, बी चमेली, सी गुलाब, डी गेंदा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कमल। आपका अगला सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है ए सरस्वती, बी चंबल, सी रावी, डी यमुना। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी यमुना। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर के दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने? आपका ऑप्शन है ए हृदय, बी मूत्राशय, सी प्रीहा, डी वृक्क। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी वृक्क। आपका अगला सवाल है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? आपका ऑप्शन है ए हिंदी, बी उर्दू, सी संस्कृत, डी तमिल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी संस्कृत में। आपका अगला सवाल है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी केरल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला सवाल है, दुनिया में कुल कितने देश हैं? आपका ऑप्शन है ए 240, बी 195, सी 150, डी 196। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 195 देश। आपका अगला सवाल है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 20 सितंबर, बी 1 अगस्त, सी 30 मार्च, डी 15 जनवरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 15 जनवरी को। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सी नेपाल स्टॉक एक्सचेंज, डी शंघाई स्टॉक एक्सचेंज। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपका आखिरी सवाल है, सबसे अधिक समय तक जीने वाला प्राणी कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए हाथी, बी छिपकली, सी कछुआ, डी ऊंट। इसका सही जवाब आप कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।